हीरा गंगा जल में बहुगरल मिलाया था, मजबूर विवश होकर फिर जहर मिलाया था। रानी ने महलों में जो पकवान बनाया था, मजबूर विवश होकर फिर जहर मिलाया था। तो मेरे भाइयों, श्रोता बंधुओं, इस तरह जुझार सिंह ने भोजन के भंडार को जहर का भंडार बना दिया। बंधुओं, भयंकर जहरीले जहरों को हर तरह से पकवानों में मिला दिया गया। रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और रानी चंपावती जहर मिलाती रही। इसीलिए तो भारतीय नारी के त्याग और बलिदान की गाथा सारे संसार में एक मिसाल दी जाती। श्रोता बंधुओं, भारत की वीरांगनाओं की एक परंपरा रही है कि जान जाए पर आन न जाए। हमें इस बात का बड़ा गौरव होता है, हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, जहां की सतियों के सतीत्व का झंडा आज भी लहरा रहा है। धन्य है ऐसी भारत माता जिसने ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है, और भारत माता की कोख से ऐसी ही विभूतियां जन्म लेती रहती। तो श्रोता बंधुओं, कहना है कि हम उस भारत मां का कभी ऋण चुका नहीं सकते हैं, कभी उसका ऋण अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना भर कहना पड़ता है, क्यों? कि भूले भी तो कैसे भूले एहसान तेरा भारत माता, भूले भी तो कैसे भूले एहसान तेरा भारत माता। भूले भी तो कैसे भूले एहसान तेरा भारत माता, क्यों? धन्य है माँ कि गोदी में तेरी खेल रहा, गोदी में तेरी खेल रहा सारा जहान भारत माता। आंचल जिसका यमुना गंगा हिमशैल हृदय भारत माता। भारत माता ऐसी माता है, इतनी पवित्र माता है कि इस माता की कूख से ऐसी ऐसी ही बड़ी बड़ी विभूतियां जन्म लेती हैं। बंधुओं, आंचल जिसका यमुना गंगा हिमशैल हृदय भारत माता, और है चार दिशाएं भुजा तेरी, है चार दिशाएं भुजा तेरी महिमा महान भारत माता। भूले भी तो कैसे भूले एहसान तेरा भारत माता। कहा है बंधुओं, इसीलिए भारत माता के लिए हर रोज सूर्य उगकर तुझको करता प्रणाम भारत माता, क्यों? कि ऊंचा ही रहे सदैव तेरा, ऊंचा ही रहे सदैव तेरा ए स्वाभिमान भारत माता। भूले भी तो कैसे भूले एहसान तेरा भारत माता।
अभिनंदन सत सत बार गाऊं, गुणगान तेरा भारत माता। और हीरा मरकर सौ बार बने। देखिए आप कवि की कल्पना कैसी है, कवि का हृदय चाहता है कि हे माता, हे भारत माता। हीरा मरकर सौ बार बने, संतान तेरी भारत माता। भूले भी तो कैसे भूले, एहसान तेरा भारत माता। हीरा मरकर सौ बार बने, संतान तेरी भारत माता। ये हमारी माता जो भारत माता है बंधुओं, इस भारत माता की कूख से ऐसी ऐसी ही विभूतियां जन्म लेती। यहां बंधुओं देखिए क्या हुआ, जब महलों में जहर का भोजन बनाया गया, रानी चंपा के द्वारा जहर का भोजन तैयार किया गया। अब क्या होता है, दासी भोजन जीवने का बुलावा लेकर हरदौल के महलों में जाती। तो जब दासी हरदौल के महलों में जाती है, जब हरदौल भोजन जीवने चलने लगते, तो तरह तरह के बंधुओं अपशकुन होने लगे। राह में रास्ता में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। उन अपशकुनों को जब देखा रणबांकुरे ने, जब वीर हरदौल देखते हैं, लेकिन वो तो रणबांकुरा बुंदेला भारत माता का सच्चा सपूत था। बेहिचक अपने महलों से रानी चंपा के महलों की ओर प्रस्थान कर दिया। जब हरदौल चंपावती के महलों में अपनी भाभी मां के पास पहुंचे, तो देखते हैं कि चारों ओर उदासी का माहौल छाया हुआ था। चारों तरफ बंधुओं उदासी का माहौल बना हुआ था। भाभी का चेहरा शोक सागर में डूबा हुआ था। जब इस तरह का देखा तो हरदौल ने कहा, हरदौल पूछने लगे कि भाभी, अरे क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? यहां भाभी चंपा ने बहुत टालने की कोशिश की, मगर हरदौल लला की हटके आगे आखिर भाभी चंपावती को झुकना ही पड़ा। जब हरदौल नहीं मानते हैं, पूछते हैं कि भाभी बताओ कारण क्या है, आज ऐसा शोक क्यों छाया हुआ है महलों में, तो कहने लगती है रानी चंपा कि हरदौल हम क्या बताएं तुम्हें, क्यों इस समय को जाने क्या हो गया है, क्यों कि आज भाई को भी भाई पे भरोसा न हुआ। आज भाई को गैर तो गैर है, कहा भाभी चंपा ने कि बेटा और गैर की तो बात अलग है, लेकिन आज भाई को भाई नहीं देख रहा। आज भाई को भी भाई पे भरोसा न होगा। आज भाई गैर तो गैर है, अपनों पे भरोसा न होगा। गैर तो गैर है, कहने लगी भाभी चंपा, आज लगता है विधाता भी हमसे रूठ गया।
गया आज भाई को भी क्यों भाई गवारा न होगा। गैर तो गैर है अपनों पे भरोसा न हुआ आज भाई। कहने लगी भाभी चंपा कि लाला हरदौल बेटा हरदौल आज गंगा में भी क्यों मेल नजर आता उन्हें। माँ की ममता पे भी विश्वास नहीं आता उन्हें। पुत्र को प्यार करे। कहने लगी भाभी चंपा कि बेटा हरदौल अब तो ऐसा समय आ गया है क्या कि पुत्र को प्यार करे माँ कभी ये हक न होगा। आज भाई को भी भाई पे भरोसा न हुआ आज भाई को। कहा भाभी चंपा ने कि बेटा हरदौल हमने तुम्हें माँ के समान पाला है और मैं पुत्रवत प्यार करती हूँ, लेकिन आज समय देखिए कैसा है। माँ की ममता में मिलावट भी कभी हो होती है। पुत्र हो कैसे भी परमात्मा ही होती है। हीरा माँ बेटे का कहा चंपा ने के आज हीरा माँ बेटे का रिश्ता भी गुनाहगार होगा आज भाई को भी भाई पे भरोसा न होगा। गैर तो गैर है अपनों का भरोसा